हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और एज यू नो, आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। और आप जानते हैं ये हमारे एग्जाम में 20 मार्क्स का है जो पेपर में हमारे आएगा। तो ठीक है जी, तो आप लोग हेडिंग डालिए प्लीज, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट कवर्स 20 मार्क्स इन द एग्जाम। चलिए, अब इस फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें तीन चीजें कवर अप करनी है। क्या क्या है वो तीन चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हमें कवर करना है मीनिंग, डेफिनेशन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है भाई, ये हमें कवर करना है मीनिंग डेफिनेशन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। सेकंड चीज हमें कवर करनी है गाइस, दैट इज बाय द नेम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और तीसरी चीज हमें कवर करनी है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है भाई। सो ये थ्री एलिमेंट्स हैं, तीन चीजें हैं जो हमें 20 मार्क्स में कवर अप करनी है। पहला है मीनिंग डेफिनेशन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और तीसरा है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। आउट ऑफ दीज थ्री, फर्स्ट टू ये दोनों प्योर थ्योरिटिकल हैं, जिसमें सिर्फ आपको कॉस्ट के बारे में समझाया गया है कि कॉस्ट बेसिकली क्या होती है। और ये जो तीसरा पार्ट है ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरिटिकल है, इसमें हम कॉस्ट शीट के बारे में सीखेंगे और न्यूमेरिकल सम्स करेंगे कि कॉस्ट शीट हम किस तरह से शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं, और कॉस्ट शीट बनाने का क्या पर्पज होता है। ठीक है गाइस, तो ये तीनों चीजें हमें कवर अप करनी है एंड दैट विल गिव अस 20 मार्क्स। ठीक है जी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला मीनिंग डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड देन हम कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है भाई। चलिए, और आपके नॉलेज के लिए फिर से बता दूं, ये तीनों टॉपिक मिलकर हमें 20 मार्क्स देकर जाएंगे और हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है एज यू गाइज नो। ठीक है जी। तो पहले दो थ्योरिटिकल है और थर्ड वन इज प्योर प्रैक्टिकल विथ थ्योरी। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते। तो आप हेडिंग डालेंगे मीनिंग डेफिनेशन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, चलिए लेट स्टार्ट। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। हेडिंग डालिए भाई प्लीज मीनिंग डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मीनिंग डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, क्लियर है? ओके ओके। चलिए, अब उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे गाइस कि कॉस्ट किसे कहते हैं, हम व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय कॉस्ट। तो इसमें पहला पॉइंट आता है गाइस मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कि आपसे अगर पूछा जाए सर कॉस्ट क्या होती है तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो गाइस हिंदी में इसको हम हिंदी में बोलते हैं लागत। तो आप लागत किसे कहते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाता है, नोट करिए, हम कहते हैं कॉस्ट मींस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी।
भाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट. क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी. क्या मतलब है इसका? हम कहते हैं सर कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब हिंदी में लागत. तो हम कहते हैं कॉस्ट मीन्स वो पैसा जो हमारी जेब से खर्च हो गया, चाहे वो किसी भी काम के लिए हुआ हो, दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट. बोलो जी, बात क्लियर है? तो हमने कहा कॉस्ट मीन्स वो एक्सपेंडिचर, वो पैसा, वो खर्चा जो हमारी जेब से हो गया, चाहे उसका संबंध किसी भी चीज से हो, किसी भी एक्टिविटी से हो या किसी भी वस्तु से हो. सो दैट इज बेसिकली कॉस्ट. बोलो जी, बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? तो कॉस्ट मीन्स व्हाट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च कर दिया, और एट्रीब्यूटेबल, और इसका संबंध किससे है भाई? किसी पर्टिकुलर चीज से या किसी काम से. मतलब किसी काम को करने में या किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो पैसा हमारी जेब से लग गया गाइस, हम उसे बेसिकली क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे. आई होप यहां तक क्लियर है. तो कॉस्ट मीन्स एन एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी. क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए मान लेते हैं आपने मार्केट से एक पेन खरीदा और वो पेन 10 रुपए का था. तो आप बोलोगे सर 10 रुपए है मेरी जेब से खर्च हो गए इस पेन को प्राप्त करने में, इस थिंग को, पेन क्या एक वस्तु है, उसको प्राप्त करने में मेरी जेब से 10 रुपए लग गए. तो मैं बोलूंगा सर उस पेन की कॉस्ट क्या है? तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पेन? 10 रुपीज. तो कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिसका संबंध किसी पर्टिकुलर वस्तु से हो या किसी काम से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. हाँ जी, बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? आइए अब यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है. अब हमारा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्लियर है, वो कॉस्ट को कैसे डिफाइन करता है? क्लियर है? तो वो क्या कहता है? कॉस्ट मीन्स मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स. कॉस्ट मीन्स मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स कॉमा ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ production of goods or rendering services. ठीक है भाई. तो ये है डेफिनेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. बोलो जी, बात क्लियर है? क्या कहता है गाइस? कॉस्ट मीन्स मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है जी. कॉस्ट का मतलब क्या है सर? मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी आप मेजर करो पैसों के रूप में. मॉनेटरी टर्म मतलब पैसों के रूप में मेजर करो द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इज यूज, कि आपने कितने रुपए के संसाधन खर्च कर दिए. क्लियर है सर? कहां खर्च कर दिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, गुड्स को बनाने में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में. क्लियर है? तो गुड्स को बनाने में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में हमारी जेब से जो पैसा खर्च हो गया, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. तो बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये डेफिनेशन किसने दिए? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. बोलो जी, बात क्लियर है? तो कॉस्ट का मतलब क्या है? मेजरमेंट, नापो. क्लियर? मेजर करो, कैलकुलेट करो इन मॉनेटरी टर्म, पैसों के रूप में. क्लियर है? क्या क्या नापे सर? क्या मेजर करें? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, हमारे कितने संसाधन यूज्ड हो गए गुड्स को बनाने में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में. तो यहीं से एक डेफिनेशन से ये दो बातें निकलती हैं कि कॉस्ट ना सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन में आती है, प्रोडक्ट बनाने में लगती है, बल्कि सर्विसेज उपलब्ध कराने में भी हमारी जेब से जो पैसा लगता है गाइस, हम उसे बोलते हैं कॉस्ट. तो आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी. सो दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट. तो अगर मैं सारी बातों को निचोड़ कर दूं, तो कॉस्ट का मतलब है टू असर्टेन, पता करो, खोजो,
क्लियर है इन मॉनेटरी टर्म्स, रुपयों में, द अमाउंट इनकर्ड, वो पैसा जो हमने खर्च कर दिया कहां, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ सर्विसेज, गुड्स को बनाने में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में जो पैसा हमारी जेब से लग गया गाइस, दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा और आपको कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट है क्या। तो हिंदी में हम बोलते हैं लागत निकालने को हम कॉस्ट कहते हैं। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए अब इसी से मिलती जुलती तीन टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली टर्म कॉस्ट हमें समझ में आ गया, आइए दूसरी टर्म्स पे आते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने प्लीज, आइए मूव टू द सेकंड टर्म। और गाइस सेकंड टर्म आती है कॉस्टिंग। क्या आती है सेकंड टर्म? कॉस्टिंग, ठीक है, CIMA लंदन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, ठीक है जी। तो लंदन में इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, उसने डिफाइन करा है कॉस्टिंग को। तो CIMA लंदन डिफाइन कॉस्टिंग एज द टेक्निक and process of ascertaining cost। हाँ जी, ये डेफिनेशन दिए कॉस्ट की, किसने दिए सर? CIMA लंदन ने। तो CIMA लंदन डिफाइन कॉस्टिंग एज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, यानी ये कहता है वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सर, हम उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। अब बड़ी सीधी सी बात है यार, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए कोई टेक्निक तो होती होंगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप की तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सिर्फ आपका फेस देख के थोड़ी बता देता है कि आपका बीपी बहुत तेज है या आपका बीपी हाई है या आपका बीपी लो है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको पता होगा वो आपके शोल्डर पे एक बीपी मेजरमेंट मशीन लगाता है और उसको पंप करता है और फिर पता करता है कि आपके साथ बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो भी एक टेक्निक और एक प्रोसेस यूज कर रहा है जिसकी हेल्प से वो ये पता कर रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसी तरह एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी तो टेक्निक यूज करेगा, कोई प्रोसेस यूज करेगा जिसकी हेल्प से वो पता करेगा कि हमारी प्रोडक्ट को बनाने में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में कितनी कॉस्ट लग रही है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो उसके द्वारा टेक्निक और प्रोसेस के यूज करने को ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। तो यही हमने कहा कि CIMA लंदन डिफाइन कॉस्टिंग एज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राप्त करने के लिए, क्लियर है, कॉस्ट प्राप्त करने के लिए, कॉस्ट जानने के लिए जो टेक्निक, जो प्रोसीजर यूज करते हैं उसको ही हम कॉस्टिंग कहते हैं। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये दो बातें क्लियर है। चलिए अब गाइज इसमें तीसरी बात आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या आता है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब आपको प्लीज पता होना चाहिए बिफोर यू स्टडी फर्दर, ठीक है? तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। क्या लिखा हमने गाइस? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड विच बिगिन विद द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड विद द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट,
ठीक है जी, क्या लिखा हमने पहले नोट करिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड एंड विद द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। इसी में आगे लिखिए, इन अदर वर्ड्स कॉमा इट इज ए फॉर्मल सिस्टम, इन अदर वर्ड्स कॉमा इट इज ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मीन्स ऑफ विच, इट इज ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मीन्स ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और एक्टिविटीज आर एसर्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है भाई, पहले नोट करिए हमने ये पूरा क्या लिखा, देन आई एक्सप्लेन कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक अकाउंटिंग का प्रोसेस है फॉर कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं। विच बिगिंस, जिसकी शुरुआत होती है विद द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। भाई सबसे पहले तो आप कॉस्ट खर्च करोगे ना, एन एंड विद द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, और उसका अंत होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। ठीक है, फिर हमने लिखा इन अदर वर्ड्स इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दूसरे शब्दों में ये अकाउंटिंग का वो फॉर्मल तरीका है बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके द्वारा कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस और एक्टिविटीज, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक सर्विस की कॉस्ट और एक कार्य की कॉस्ट आर असर्टेन एंड कंट्रोल्ड। उसका हम ना सिर्फ पता करते हैं, उसको मालूम करते हैं, उसको खोजते हैं, बल्कि उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण भी करते हैं। क्लियर है? अब इस पूरी बात को अगर मैं निष्कर्ष कर दूं तो गाइज, अकाउंटिंग वर्ड जहां भी आ जाएगा इसका मतलब होता है एक फॉर्मल सिस्टम। क्लियर है? आपने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। तो ये एक फॉर्मल सिस्टम है अकाउंटिंग का, जिसके द्वारा ना सिर्फ हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं बल्कि उसे प्रॉपरली कंट्रोल भी करते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो कॉस्ट को कंट्रोल करने को भी बताए, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलो जी, बात क्लियर? तो जिस तरह आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, उसी तरह हमारी एक कंप्लीट ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका मेन पर्पस कॉस्ट को कंट्रोल करना, असर्टेन करना होता है। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो मैंने गाइस अभी तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ठीक है जी, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सब लोगों को? आइए, तो ये तीन चीजें डिस्कस हो गई। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो प्लीज जल्दी से इसे नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। नोट करिए भाई जल्दी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब गाइस चौथी चीज हमारे पास आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। हाँ भाई, क्या आता है अगली चीज हमारे पास? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे आप CIMA London defines cost
CIML London define cost accountancy as, यहां से देखिए, CIML London define cost accountancy as the application of costing and cost accounting principles. क्या लिखा हमने? CIML London define cost accountancy as the application of costing and cost accounting principles, comma, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability. ठीक है भाई, हमने अभी तक लिखा है कि द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक टू द साइंस SCIENCE साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फुल स्टॉप. इट इंक्लूड्स the presentation of information. It includes the presentation of information derived therefrom therefrom for the purpose of managerial decision making. हाँ जी, so that is how the cost accountancy has been defined. ठीक है, तो CIML London ने cost accountancy को define करा है. कैसे करा है देखिए, the application of costing and cost accounting principle. तो guys, cost accountancy क्या है? The application of costing and cost accounting principle, methods and techniques. ये methods and technique है to the science, art and practice of cost control. ठीक है, and the ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. ठीक है, अब सुनिए बहुत आसान शब्दों में भाई, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? बड़ी सीधी सी बात है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी आपने प्रिंसिपल, मेथड और टेक्निक सीखे हैं, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, उसकी एप्लीकेशन करना ही कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाता है. और उस एप्लीकेशन से ये पता करना कि उसका हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. बोलो जी, बात क्लियर है? तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है जी, और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि भाई आपने जो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाई है और वो प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को दे दीजिए ताकि उसकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग की जा सके.
बोलो बात क्लियर है? तो गाइस लेट मी टेल यू, बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के डिसीजन लेना मैनेजमेंट के लिए संभव नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं सम कर दूं तो गाइस कॉस्ट अकाउंटेंसी कहती है कि ये एक आर्ट भी है, ये एक साइंस भी है। भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी साइंस क्यों है? भाई जिस तरह से साइंस में नियम होते हैं उसी तरह हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना है। अब गाइस ये आर्ट क्यों है? ये आर्ट इसलिए है क्योंकि कई बार कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जो उसको खुद ही अपनी स्किल और अपने टैलेंट से सॉल्व करनी पड़ती है, तो इसलिए ये आर्ट भी है। बोलो जी बात क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी आर्ट भी है, साइंस भी है। बोलो जी बात क्लियर? ये दोनों का मिक्सचर है। इस कॉस्ट अकाउंटेंसी में होता क्या है, जो भी हमने कॉस्ट और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल मेथड टेक्निक सीखे हैं हम उन्हें अप्लाई करते हैं, क्लियर? और उनका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे निकालते हैं और फिर इसकी हेल्प से एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जो हम मैनेजमेंट को सौंपते हैं ताकि उसकी हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। सो दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो गाइज आई होप यहां पर आपको इन चार चीजों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटेंसी हम किसे कहते हैं, ठीक है? इन सब का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक चीज बताना है कि व्हाट बेसिकली इज कॉस्ट ऑल अबाउट, ठीक है जी? तो अगर मैं एक कॉमन मैन की भाषा में बात करूं, एक आम आदमी की भाषा में बात करूं, तो कॉस्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करना ही कॉस्ट कहलाता है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन को हम आगे बढ़ा दें। तो गाइज हम ये पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मीनिंग क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट। तो अभी हमने सिर्फ कॉस्ट का मीनिंग समझा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या अंतर होते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, हमारा अगला टॉपिक आता है गाइस, इंपॉर्टेंस ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो गाइज इसको हम तीन से चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें हम पहला लिखेंगे एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ जी, पहला क्या लिखेंगे हम, एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट, मतलब जो हमारी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, क्लियर है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसकी किस तरह से हेल्प करती है, क्लियर है? तो ये हम जानेंगे कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग या हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी मैनेजमेंट के लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित होती है, ठीक है जी? तो बस आपको इसके मोटे मोटे पॉइंट याद रख लेने, क्योंकि गाइस लेट मी टेल यू, आपके एग्जाम में थ्योरी में कोई नोट लिखने के लिए नहीं आएगा, बस आपको उस पॉइंट को याद रखना है, नथिंग एल्स, ठीक है जी? चलिए, तो मैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को किस तरह से फायदा पहुंचाती है देखिए। इसका सबसे पहला बेनिफिट होता है हेल्प इन पहला पॉइंट लिखिए आप फिर से, हेल्प हेल्प इन एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, तो ये हम मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने में। अब भाई मैनेजमेंट का काम होता है प्रोडक्ट बनाना,
टॉप लेवल पे प्रोडक्ट बनाना और उसे बाजार में सेल करना। आपको पता है सेल कैसे बनती है? सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हम बचपन से जानते हैं। तो सर जब तक हमें कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो हम उसका सेलिंग प्राइस कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, आप कॉस्ट कैसे पता करेंगे? हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, क्लियर है, कॉस्टिंग की हेल्प से, टेक्निक एंड प्रोसीजर की हेल्प से। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प करती है मैनेजमेंट में कि कॉस्ट कैलकुलेट करने में, ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया। इसका दूसरा पॉइंट होता है हेल्प इन कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी ये मदद करती है। आप जानते हैं गाइस, प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपनी सेल खूब बढ़ाओ, दूसरा तरीका होता है आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करो, कॉस्ट को कंट्रोल करो, क्लियर है। अब सवाल उठता है सर सेल बढ़ाना तो काफी टफ जॉब है भाई, मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, देर इज ए ह्यूज टफ जॉब, लेकिन हम इंटरनल अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उससे हमारी सेल बढ़े और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी मैनेजमेंट की हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, ठीक है भाई। हाँ जी, तो हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट लिखिए हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, तो कॉस्ट हमारी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। अब सर किस तरह के डिसीजंस? तो सबसे पहली बात, एक प्रोडक्ट है तो हमें ये डिसाइड करना है सर हम इस प्रोडक्ट को खुद बनाएं या बना बनाया बाजार से खरीद लें, क्लियर है। तो ये किसके आधार पर डिसाइड होगा? कॉस्ट के आधार पर, क्लियर है। एक बिजनेस हमारा चल रहा है, क्लियर, बट उसमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करें या इसे शट डाउन कर दें। बोलो जी, बात क्लियर है। तीसरा, अभी हम अपनी गुड्स इंडिया में बेच रहे हैं मान लो, तो क्या हम इसे दूसरे देशों में बेचे या ना बेचे, मतलब एक्सपोर्ट डिसीजन, एक्सपोर्ट करें या ना करें, एक्सेट्रा। तो इस तरह के और भी कई सारे डिसीजन हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प की हेल्प से ही मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है गाइस, हेल्प इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, हेल्प इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है सेलिंग प्राइस फिक्स करने में, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी हम कभी भी सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन। भाई कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि हम ऐसे कॉस्टिंग प्रोग्राम लेकर आए जिससे हमारी मटेरियल की कॉस्ट मिनिमम हो जाए, लेबर की कॉस्ट कम से कम हो जाए, क्लियर, ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी गाइस हम उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। बोलो जी, बात क्लियर है यहां तक। हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है जी, ये हमारी एफिशिएंसी मेजर करने में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है जी। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। जितने भी हम फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं कि फ्यूचर में ये काम होना चाहिए, इसको करने में टोटल कितना खर्चा आएगा, इन सब में हमारी हेल्प करती है बजट को फिक्स करने में। बोलो जी, बात क्लियर है। देन हेल्प इन कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट को कंपेयर करने में भी हमारी हेल्प करती है, एक्सेट्रा। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं बट इतने आपको
ध्यान रखने हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू मैनेजमेंट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की इन तरीकों से क्या करती है, हेल्प करती है। बोलो बात क्लियर है यहां तक? तो ये था पहला इंपॉर्टेंस कॉस्ट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट के लिए। यहां तक कोई डाउट है तो बोलेंगे भाई जल्दी, समझ में आ रहा है? बस आपको याद रखना है, इस पे कोई नोट नहीं आएगा लिखने के लिए। तो हमारे पेपर की यही विशेषता है कि कोई थ्योरी नोट नहीं आएगा, बस आपको ये सारे एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा सकते हैं, विच यू शुड बी एबल टू नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बी, एडवांटेज टू एम्प्लॉइज। ठीक है भाई, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह से एम्प्लॉइज के लिए एडवांटेजियस होता है। ठीक है जी, चलिए इसमें लिख लीजिए दो लाइनें। एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट इंप्लॉइज, एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट इंप्लॉइज बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान्स फुल स्टॉप एज ए रिजल्ट बोथ द प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग्स इंक्रीज। हाँ जी, हमने लिखा एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट इंप्लॉइज बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान्स एज अ रिजल्ट बोथ प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग इंक्रीजेस। मतलब एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लॉइज के लिए नए नए प्लान लॉन्च करता है जिसके थ्रू इंप्लॉइज को बोनस मिले और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उनकी गुड्स प्रोड्यूस करने की क्षमता। तो अगर एक इंप्लॉय को ये लगेगा कि मुझे अच्छी पेमेंट मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा मन से काम करेगा, क्लियर है? और उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक अच्छे इंसेंटिव प्लान से इंप्लॉइज की अर्निंग भी इंक्रीज करेगी, क्लियर? तो एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, मैनेजमेंट के लिए भी और इंप्लॉइज के लिए भी। आई होप यहां तक क्लियर है। सी आइए, एडवांटेजेस टू सोसाइटी, एडवांटेजेस टू सोसाइटी मतलब अब एक अच्छे कॉस्टिंग का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर लिखेंगे आप एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम, एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग, एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस एट लोअर प्राइसेस ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी क्लियर, हमने लिखा एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट द सोसाइटी by providing product and services at lower prices due to lower cost of production। यानी एक efficient costing system अगर आप use करोगे तो ultimately हमारी cost कम आएगी। और guys जब cost कम आएगी तो हम समाज को, society में अच्छे product launch कर सकेंगे, वो भी cheapest price पर।
बोलो जी, बात क्लियर। और जब प्रोडक्ट का प्राइस चीप होगा तो सोसाइटी का हर वर्ग उसको एफोर्ड कर पाएगा और उनकी हेल्प से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बोलो जी, बात क्लियर है। सो दिस इज हाउ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प द सोसाइटी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो गाइस पूछ सकते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया यहां तक। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट यानी एक अच्छा सिस्टम हमारी गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है। तो लिखेंगे एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम, एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम हेल्प गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम हेल्प गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, फुल स्टॉप। सच कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन, वेज लेवल फिक्सेशन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज एक्सेट्रा, ठीक है गाइस। हमने लिखा क्या है पहले आप नोट करिए प्रॉपर, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम हेल्प गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन, सच कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन वेज लेवल फिक्सेशन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज एक्सेट्रा। यानी अगर हम गवर्नमेंट को एकदम सही कॉस्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो उसकी हेल्प से गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करने में प्राइस फिक्स कर सकती है। भाई मिनिमम वेज लेवल क्या होगा ये गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट समाप्त हो सकते हैं और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन के आधार पर वेरियस पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा सकती हैं जिसका बेनिफिट जनरल पब्लिक को होगा। क्लियर है? तो ये है कॉस्ट की एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के लिए। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट टू द मैनेजमेंट टू द सोसाइटी टू द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। हाँ जी, यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालिए एसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एडिंग डालिए भाई प्लीज। तो नेक्स्ट आता है एसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम।
ठीक है जी, एक अच्छा और एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्या खास बातें हैं जो उसमें होनी चाहिए। तो देखिए, नंबर वन, पहला आता है सुटेबिलिटी। हाँ जी, पहला क्या आता है, सुइटेबिलिटी। क्लियर है? इसका मतलब ये निकला सर, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ना आपने अपनी कंपनी में लॉन्च किया है, ये उसके नेचर के लिए प्रॉपर सुटेबल हो। मतलब जिस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के हिसाब से, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से उसको सूट करता हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम उस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की सुटेबिलिटी चेक करते हैं। सेकेंड होता है गाइस, टेलर मेड सिस्टम। सेकेंड एसेंशियल क्या है जी, टेलर मेड होना चाहिए। टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट। सर ये ऐसा परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए, इसमें कोई खामियां नहीं होनी चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरा करता हो। क्लियर है? दूसरे शब्दों में ये जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ये फ्लॉलेस होना चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, इसका तीसरा फीचर आता है सिंप्लिसिटी। इसका मतलब ये निकला गाइस, ठीक है, ये इतना सिंपल होना चाहिए कि इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कि हर इंप्लॉय सिस्टम को आसानी से समझ सके। क्लियर है? इसको अप्लाई करने में कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सिस्टम सिंपल होगा उतने लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, फोर्थ आता है इकोनॉमिकल। नो डाउट ये सिस्टम हमारी जेब को अनुसार होना चाहिए, ये इतना इकोनॉमिकल होना चाहिए कि हम इसको इजीली बियर कर सकते हैं। भाई अगर बहुत कॉस्टली होगा तो इट वॉन्ट बी एबल, हम कंपनी इसको लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर सकती। ठीक है जी, बात यहां तक। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमारा कॉस्टिंग सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि सिचुएशन के आधार पर उसे चेंज किया जा सके। ऐसा ना हो रिजिड है, बस एक बार लागू हो गया अब इसे बदल ही नहीं सकते। नहीं, इट शुड बी फ्लेक्सिबल कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपने लिखा सपोर्ट ऑफ स्टाफ। ठीक है जी, इसका मतलब आप सिस्टम इस तरह का बनाएंगे कि आपको अपने एम्प्लॉयज से, अपने स्टाफ से पूरा कोऑपरेशन मिले। दूसरे शब्दों में हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एम्प्लॉय फ्रेंडली होना चाहिए, सो दैट हर एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने में तैयार रहे। ठीक है जी, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है जी, इसका मतलब क्या निकला, ये सिस्टम होना चाहिए इस तरह का कि ये इस बात की श्योरिटी दे कि अगर आपने इस सिस्टम को लागू कर लिया तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जिसको आप इस सिस्टम की हेल्प से इजीली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इट शुड एंश्योर द कॉस्ट कंट्रोल। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? चलिए, एक्सेट्रा। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ Essentials of good costing systems. I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, वेरी क्विकली। हो गया भाई? चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। वो आपसे पूछता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर। ये शब्द पूछे जाएंगे पेपर में कि कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, हम कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। तो लिखेंगे, अ कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन। अ कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन कॉमा पर्सन और आइटम
ऑफ इक्विपमेंट, हमने लिखा अ कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट मे बी ascertained and used for the purpose of cost control. ठीक है जी, तो हमने कहा सर व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, तो हमने कहा कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन भी है, एक व्यक्ति भी है और एक आइटम ऑफ इक्विपमेंट भी है, फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. हाँ जी, मेरी बात यहां तक समझ में आ गई. इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब यह है कि कॉस्ट सेंटर, ठीक है जी, एक ऐसी कन्वीनियंट यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, खत्म बात. इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, कॉस्ट कंट्रोल. हाँ जी, यहां तक क्लियर है. तो कॉस्ट सेंटर वो लोकेशन है, वो व्यक्ति है, वो इक्विपमेंट है, क्लियर है, जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाती है ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. सो दैट सिस्टम, दैट लोकेशन, दैट इक्विपमेंट इज नोन एज व्हाट, कॉस्ट सेंटर. ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात. तो जैसे मैंने बोला, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर इज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कॉस्ट कैन बी असर्टेन. तो दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट सेंटर. तो आपको प्लीज इसका मीनिंग याद रखना है कि हम कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं. ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट. Come on everybody, नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कि गाइस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है और कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले तो लिखेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग for which a cost object may be defined as anything for which a separate measurement of cost is required. क्या लिखा हमने गाइस, हमने लिखा a cost object may be defined as anything. Cost object का मतलब कुछ भी चीज for which separate measurement of cost is required. यानी हर वो चीज जिसके लिए हमें cost calculate करनी पड़े, हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, cost object बोलते हैं. बोलो जी, बात क्लियर है. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, it may be a product, service activity or process etc. ठीक है भाई, तो हमने लिखा कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइन एज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. क्लियर, यानी हर वो चीज जिसके लिए हमें कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो अगर हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं इस प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा. अगर मैं एक प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं इस प्रोसेस को भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा. बोलो जी, बात क्लियर है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट. नोट करिए भाई प्लीज, जल्दी से क्विक.
तो चलिए गाइस, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा पहला टॉपिक था मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो बातें हमने डिस्कस की। आई होप ये आपको सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा जो आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं इफ यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी। चलिए नोट कर लीजिए भाई प्लीज।